सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन गाइस इस बार हम आने वाले हैं माइनक्राफ्ट 1.20 के अंदर। तो इस बार बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स कर दिए हैं माइनक्राफ्ट वालों ने, जो जावा जैसा फील आने वाला है हमें बिल्कुल। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि माइनक्राफ्ट 1.16, 15, 17, 18 नॉट मच बेटर, लेकिन ये वाला बढ़िया वर्जन बिल्कुल बढ़िया है। सो शुरू से पहले ऑब्वियसली हमने अपने वर्ल्ड का नाम रखा, बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हमने कंप्लीट की। वर्ल्ड लोड होते ही हमने कुछ पेड़ को काटा और थोड़े से पेड़ को काटने के बाद हमने अपना बेसिक सामान बनाया। उसके बाद हमने एक ट्रिक यूज की जिससे कि हमें जल्दी जल्दी स्टोन मिल सके। 5-10 ब्लॉक तक लावा नहीं होता, ये 1.20 है। तो हमने बहुत ज्यादा स्टोन कलेक्ट किए। बाद अपने कुछ सीक्रेट रेसिपी के लिए हमने कुछ फूल काटे। उसके बाद गाइस हम किसी और आइलैंड पे गए और रिसर्च के लिए। उसके बाद अपने आपको स्टोन में अपग्रेड किया, कुछ फूड को कुक करने के लिए रखा। फिर गाइस एक और आइलैंड को क्लियर करते करते रात हो गई, तो हमें रात को छुपने के लिए ऑब्वियसली एक गड्ढे में रहना पड़ा। एंड भाई मॉब से इधर भागो यहाँ से। मैं कुछ कोल की तलाश में जो है नीचे डिग करता गया एंड मुझे यहाँ पर कुछ रेयर चीजें मिली, जैसे कि थोड़ा सा आयरन और ही मिल गया स्टार्टिंग के लिए। जैसे कि शील्ड एंड बकेट के लिए तो आयरन मिल चुका है, अब बस एक पिकैक्स के लिए मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इधर कितना है, 5 लगभग पीस है। चलिए ठीक, आयरन लगभग स्मेल्ट हो ही चुका है। इससे हमें शील्ड बनानी है जिससे कि हमें मरने के चांसेस जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो लेट्स फॉर्म एंड शील्ड। बाहर सो जो है वो सुबह हो चुकी है, तो यहाँ से टॉर्चेस निकाल के चल लेते हैं जल्दी जल्दी ऊपर। लेट्स गो यार, कल रात को क्या मॉब्स थे इधर आपने देखा, स्पाइडर राउंड होने वाली है। हम इधर से शुगर कैन कलेक्ट करके अपने सफर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हमने अपने लिए थोड़ा सा बेड का इंतजाम किया, लेकिन एक और अजीब चीज़ हुई। मैंने अपनी वूल को डाई किया, वो भी पिंक में, क्यों भाई ये मुझे भी नहीं पता। एंड उसके बाद बेड बनाया। इन सब के बाद हमने कुछ पेड़ को काट के गलत किया क्योंकि हमारे पास कोल नहीं था, तो टॉर्चेस के लिए चारकोल ही जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहता। थोड़ा सा फूड भी कुक किया एंड और पेड़ को काटा। एंड इतनी ज़्यादा डिफोरेस्टेशन के बाद मुझे अंदर से हुआ कि कुछ सैपलिंग लगानी चाहिए। गाइस जो हमने थोड़ी सी सैपलिंग जो है प्लेस की, उसके बाद जो है गाइस हमने अपने लिए एक और आइलैंड को जो है वो पार किया। एंड फाइनली हमें वहाँ पर जाकर एक अच्छी सी जगह मिली जो थोड़ी सी प्लेन लग रही थी, एंड हमने सोचा कि अपने स्टार्टिंग के लिए वहीं ठीक है, वहीं रह लेंगे। उसके बाद जो है गाइस हमने अपना सामान वहाँ पर प्लेस किया, अपने क्राफ्टिंग टेबल एंड दोनों फर्नेसेस। एंड हमारे पास एक प्लान था छोटा सा अपने स्टार्टिंग के बेस के लिए। फिर हमने अपना सामान सॉर्ट किया। उसके बाद हमने अपने आसपास को जगह थोड़ा देखा, वहाँ पर पंपकिंस थे उन्हें कलेक्ट किया। तो वैसे हमने अपना सारा सामान कलेक्ट किया अपने घर को बनाने के लिए। अब आप थोड़े से माउंटेन देखिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। घर बिल्ड होते ही हमने एक एंडरमैन को बड़ा ही ज़्यादा चालाकी से जो है ख़त्म कर दिया। एंड हमारे वर्ल्ड की हमने सबसे पहले एंडर आई यहाँ से कलेक्ट कर ली। इसे हम रख देते हैं अपनी रेयर वाली चेस्ट में। इसमें हम सब कुछ रेयर चीज़ें रखेंगे हमारे लिए, जो भी काम की चीज़ें होंगी। एंड हमने स्मोकर इसलिए रखा क्योंकि इसमें जल्दी खाना कुक होता। इसके बाद गाइस हमने थोड़े से जो है शुगर केन मिले थे उनको भी यहाँ पर प्लेस कर दिया। जितने भी सीड है हमारे पास उनको भी जो हमने प्लेस कर दिया। एंड मुझे पता सीड नहीं उगने वाले जल्दी। हमारे लिए थोड़े से स्टोन के टूल्स बनाए और चले गए हम माइनिंग के लिए Y-axis 15 पे, क्योंकि हमें पहले थोड़ा सा आयरन चाहिए था। उसके बाद हमने यहाँ पर चेस्ट लगाई, ऊपर की तरफ की सीढ़ियाँ प्लेस की एंड हमारा फार्म। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा माइनिंग गियर टाइप का जो सिस्टम बनाया। उसके बाद जो है हमने अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दी। उसके अब छोटी छोटी माउंटेजेस देखिए कि क्या क्या हमें सामान मिला माइन से। एंड अच्छा था स्टार्टिंग के लिए, लेट्स गो।
माइनिंग से वापस आ चुके हैं, हमें मिल चुका है अच्छा खासा सामान। उसके बाद हमने जाकर ऊपर थोड़ी सी शुगर केन जो है उनको काटा, फिर से प्लांट किया क्योंकि और चाहिए हमें शुगर केन, पेपर की जरूरत पड़ने वाली है आगे बहुत। उसके बाद गाइज हमने और अपनी पिकेक्सेस बनाई क्योंकि अब हम जाने वाले थे डायमंड माइनिंग के लिए -52 लगभग जाने वाले थे। उससे पहले हमें कुछ रेयर चीज़ें भी मिल गई, मैंने कहा ठीक है कलेक्ट कर लेते हैं। बस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाई लेवल 52-53। ठीक है यहीं पर जो है हम अपना माइनिंग गियर स्टार्ट करते हैं बनाना। माइनिंग गियर वही चीज़ है यानी कि आप 5-6 माइन एक लाइन में बना देते। ओके ये लेट्स गो, मैं आपसे बात कर रहा था एंड तुरंत डायमंड मिल गया अच्छे कोऑर्डिनेट्स है यानी कि 52 फॉर डायमंड माइनिंग। लेट्स गो स्टार्ट कलेक्टिंग देम। कितने हैं? 1, 2, 3, बस 5 डायमंड हो मैं यही चाहता। ओके 4, नॉट अ बैड, 4 मिल गए, 5 एक और डायमंड चाहिए हमें। लेट्स गो। तो हमने शुरू की फिर हमारी बेड रॉक वाली स्ट्रिप माइनिंग क्योंकि ट्रैपडोर वाली ट्रिक नहीं चलती तो हम वाटर बकेट वाली चलेंगे। ठीक है गाइस हार नहीं मानेंगे एंड आते ही रेडस्टोन। तो अब आप देखिए क्लिप पे क्लिप चलेंगे। ठीक है लेट्स गो 3, 2, 1 गो। तो यहाँ पर गाइस मेरे से हो चुकी थी मेरी सबसे लाइफ की बड़ी गलती क्योंकि देखिए हाँ यही लावा बकेट क्या करता रहता यार। मैं मुझे ऊपर जाने के लिए ये वाला रास्ता आजमाना पड़ेगा यार, ये क्या बात हुई। चलिए यहाँ से अब हमें बिल्डिंग ब्लॉक कर और कोई रास्ता भी नो वेट हेलो लावा वापस नहीं। अरे यार हटाओ इस लावे को। नो वे। सो उसके बाद हमने रिकवरी करने के नाम पे हमने थोड़े से टूल्स तो बना लिए थे अब माइनिंग के लिए फिर से चलते क्योंकि हमें देखो चीज़ें तो चाहिए। ओके गाइस हमारे साथ हो चुका है एक बहुत बड़ा हादसा, गेम क्रैश हो गई थी, रिकॉर्डर क्रैश हो गया था शायद एंड अब मुझे वो क्लिप नहीं मिल रही है। अरे यार कितनी भाई 1 घंटा मैंने माइन में काम करा एंड देखिए अब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कितनी चीज़ें कलेक्ट करके लाए हो। सच में यार पता नहीं अब क्या क्या होता रहता है जीवन में। सो गाइस देखिए मैं लाया हूँ 17 गोल्ड 33 आयरन इंगट हो चुके हैं। लेट्स गो। आई थिंक अब हमारा आर्मर जो है वो तो पूरा कंप्लीट हो ही जाए। फिर उसके बाद गाइस हमने अपने तीनों की तीनों आर्मर के चारों के चारों आर्मर के पीस बना लिए। फिर हमने खुद को जो है वो आयरन में अपग्रेड करने का सोचा एंड हमने फिर अपने लिए आयरन के जो है टूल्स भी बना लिए। उसके बाद हमने अपने लिए डायमंड पिकेक्स बनाई क्योंकि हमें अब बनाना था एक एन्चेंटमेंट टेबल। तो हम गया वो वाली माइन में जहाँ पर हमने गलती से लावा उठाया तो हम मर गए थे। यहाँ पर हमने लावा को कन्वर्ट किया ऑब्सीडियन में एंड हमारे लिए जो है अब ये रास्ता साफ था क्योंकि इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ऑब्सीडियन कलेक्ट करना। हमने अपने लिए दोनों के दोनों जो पीस है ऑब्सीडियन के कलेक्ट कर लिया। फिर मैं भूल गया 4 पीस ये होते हैं। वाह। फिर हमने हमारे लिए बनाई यहाँ पर एक बुक की रेसिपी। देखो भाई जिसको नहीं पता वो माइनक्राफ्ट ना खेले, 3 पेपर लाइन में लगा दो, एक वो रख दो ख़त्म। फिर हमें याद आया कि 4 ऑब्सीडियन चाहिए तो हम फिर से गए माइन में। बाद हमने हमारे बाकी के 2 ऑब्सीडियन कलेक्ट किए। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने डायमंड पिकेक्स को इसी माइन में रख देंगे क्योंकि बाहर रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बाद घर पहुँचते ही हमने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया एंड हमने ऑब्सीडियन एंड डायमंड जो है वो कलेक्ट कर लिया क्योंकि अब हमें बनाना था एक एन्चेंटमेंट टेबल। तो उसकी रेसिपी देखो यार मुझे याद थी, सारी की सारी रेसिपी आज भी याद है वैसे एकदम ताज़ा दिमाग में। यहाँ पर रखने एक डायमंड एंड बुक। लेट्स गो। अब मत बोला घर अभी अपग्रेड कर लो क्योंकि अभी तो देर है, घर अभी अपग्रेड नहीं करेंगे। फिर हमने रखा एंड हमने देखो अपने सारे के सारे टूल जो है वो लगभग है ना कुछ भी इंचेंटमेंट रख दो कुछ भी, जैसे लिटरली दिमाग में यही था कि कुछ भी आ जाए ना उसे इंचेंट कर ही देना है चीज़ों को। तो हमने कुछ भी लगा दिया। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं उसकी क्लिप। गाइस वी आर फुली कवर इन अवर आयरन आर्मर। पहले आप बाहर चल लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। अरे हाँ देखिए गाइस इंजेंट टूल आयरन आर्मर और क्या चीज। सो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर दें हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। हम मिलते हैं आपसे किसी और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए एरिक आउट।